राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। और ये हमारा प्यारा कन्हैया, माँ यशोदा और लाला, ये मैंने अपने हाथों से बनाया है। और ये कन्हैया है हमारा, बैठा हुआ है अभी। और आज एक इम्पॉर्टेंट बात, सब लोगों ने वीडियो देखी है और सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से छाई हुई है। निर्भया जैसा दूसरा केस हुआ है, लेकिन फिर भी सजा नहीं मिल पा रही है। जो भी हैं बंगाल देश में, कब तक चलेगा ये? हम लोगों को तो गर्व है कि हम लोग भारत में रहते हैं, बहुत ही सोचने वाली बात है कि उसके एक एक रोम रोम, मतलब उतने समय उतने मिनट तक क्या बीती होगी उसको, बस ये महसूस ही किया जा सकता है, बाकी कुछ नहीं। लेकिन फिर भी अगर अब हिंदू ना जागा तो फिर कभी भी नहीं जाग पाएगा। तो जितना हो सके, हम लोग वहाँ जा तो सकते नहीं हैं, लेकिन छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से लोगों तक बातें पहुँचाएं। वैसे लोगों तक बातें क्या, पूरी की पूरी स्टोरी सबको पहुँच गई है, सबके पास ऐसा कोई नहीं है जिसने अभी तक सुना ना हो कि ये दूसरा केस हुआ है निर्भया जैसा। जब सुनो, सोचो, मतलब इतना वो लगता है बंगाल देश में तो इतना अत्याचार हो ही रहा है हिंदुओं के साथ, सनातनी लोगों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, वो तो आप लोग वीडियो में देख ही रहे होंगे। जहां हम लोग देवी को पूजते हैं, वहीं देवी का चीर हरण किया जाता है। वो डॉक्टर इतना मतलब मरीजों का काम करते वक्त नहीं कांपते थे जितना उस केस को सुनकर वो कांप गए। सोच समझ सकते उसके उसके मम्मी पापा ने उससे 3 बजे रात में बात की, 3 बजे रात में बात की और सुबह फोन आता है कि आपकी बेटी खत्म हो गई है। मतलब कुछ घंटे पहले बात हुई और उसके बाद फोन आता है कि आपकी बेटी खत्म हो गई है। ये कितनी, मतलब हर एक लेडीज को सोचने वाली है ये बात। हम लोग भारत जैसे देश में रहते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। हम लोग मोदी सरकार है, हम लोग वहाँ रहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मोदी सर से अपील यही है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस केस को मतलब किया जाए, जितने भी कातिल हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए।
और उससे भी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए जितनी उसके साथ बेरहमी से ये सब सारे काम किए गए। लेकिन एक बात तो ये भी है, हमारे भारत देश में भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। आज हम कन्याओं को पूजते हैं और उनको नवरात्रि पर पूजा करते हैं, उनको कुमारी खिलाते हैं, और आज यही हो रहा है भारत देश में हमारे। ये सब बहुत ही बड़ी सोचने वाली बातें हैं। आज बंगाल देश में हुआ, कल हमारे भारत जैसे देश में इस तरीके का केस हो सकता है। क्या हमारे घरों में बेटियां नहीं पैदा होनी चाहिए? आज इतना अत्याचार बढ़ गया है, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, और लोग कहते हैं कि ऐसे कपड़े पहने थी, वैसे कपड़े। अरे आप लोग तय करेंगे कि लड़कियां लेडीज़ कैसे कपड़े पहनेंगी? वो उनको खुद डिसाइड करना ना, वो कितने कपड़े पहनेंगी, कैसे कपड़े पहनेंगी।